कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कान पकड़कर माफी मांगने को कहा। कमल पटेल ने कहा कि इन लोगों ने जनता से झूठे वादे किए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कसम खा खाकर वचन दिया था, लेकिन राहुल गांधी और उनकी मंडली ने अपने वचन नहीं निभाए, इसलिए अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। राहुल गांधी और उनकी यात्रा पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपनी जबलपुर यात्रा के दौरान कहा कि राहुल गांधी अपनी इमेज मेकिंग के लिए यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ मध्य प्रदेश में एक्सपोज हो चुके हैं। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कसम खा खा कर वचन दिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन इसके उलट राहुल गांधी और उनकी मंडली ने कोई वचन नहीं निभाए। उन्होंने प्रदेश के किसानों को धोखा दिया है। मंत्री पटेल ने 1 से 10 तक चुटकी बजाते हुए कहा कि 10 हो गया बस। पटेल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिनों में किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन ना तो कर्जा माफ हुआ और ना ही मुख्यमंत्री बदला गया। राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी झूठे लोगों की पार्टी है, और अपने इस झूठ के लिए राहुल गांधी जनता से कान पकड़कर माफी मांगे और कहें कि हमने आप सबको धोखा दिया है, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, माफ नहीं करेगी। और राहुल गांधी तो अपनी इमेज बनाने में लगे हैं, लेकिन वो कुछ भी कर ले, अब जनता उनके बहकाव में आने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कसम खा खा के वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, क्योंकि घोषणा पत्र पे कांग्रेस ने घोषणा करती थी, पूरी नहीं करती थी, इसलिए घोषणा पत्र पे विश्वास खत्म हो गया था। तो उन्होंने नया तरीका अपनाया, वचन, और लोगों को कसम खा खा के हस्ताक्षर कर करके वचन किए थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस, अगर 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन बदले क्या मुख्यमंत्री, और इसलिए पहले मध्य प्रदेश में आने के पहले कान पकड़ के राहुल गांधी माफी मांगे प्रदेश की किसानों से कि मैंने झूठ बोला था, धोखा दिया था, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा, तो भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पहले माफी मांगे किसानों से। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।